अगर ये मुझे पता होता तो मैं आपकी जगह ना होता। अब आप इस प्रकाश डालिए। चल तेरे ज्ञान को प्रकाश डालने के लिए तुझे मैं एक कहानी सुनाता हूँ। सुनाइए सुनाइए सुनाइए। शादी की तैयारी थी, रिश्ता लेकर पहुँचे थी, वे पिताई वाली थी। लड़का था बड़ा ही सुंदर, लड़का था बड़ा ही सुंदर, मुंबई में टैक्सी चलाता था, हर प्रकार से था संपूर्ण, मगर एज की जांच से घबराता। अरे गुरुजी अब देर ना करो, कहानी बताकर मुझे ज्ञान से भरो। तो हम यही मैसेज देना चाह रहे हैं इस नुक्कड़ नाटक के जरिए कि एड्स की जांच जरूरी है शादी से पहले। तब बच्चे बहुत अच्छा काम ये करने जा रहे हैं कि लोगों को एड्स के बारे में बताएं, और अगर आज इन्होंने 1000 लोगों को बता पाया तो एक दिन होगा, अगले दिन 2000, फिर 4000, और एक दिन होगा सब लोग इस बारे में जान जाएंगे और अपने आप सचेत रह पाएंगे। और तो हमारे बीएड स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और जागरूकता फैलाने का काम केवल एक शिक्षक ही कर सकता है। तो शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम जागरूकता किसी भी विषय को फैला सकते हैं।
हमारे स्टूडेंट जो हिमगिरी विश्वविद्यालय से हैं वो लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं एड्स को दूर करने के लिए। और मैं ये मानती हूँ कि अगर इन्होंने तीन गांव आज ये घूमेंगे, तीन गांव के लोगों को भी अवेयर कर दिया, तो इन तीन गांव के लोगों के संपर्क में जो लोग आएंगे वो लोग भी इसी तरह से अवेयर होते चले जाएंगे। और धीरे 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 एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हमारा देश जो है इस गंभीर बीमारी से निजात पा जाएगा। कार्यक्रम यही है कि एक हम नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, जाँच जरूरी है, जिसके माध्यम से हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि शादी से पहले नवयुवक और नवयुवती का एड्स का जांच होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और ये शोज़ जो है हम सिंगली वाला गांव में, पेलियो गांव में, मेहूवाला माफी और आपका गांधी पार्क में इसका लास्ट प्रदर्शन करेंगे। और होप यही है कि लोगों तक हमारा मैसेज पहुँचे जो हम पहुँचाना चाहते हैं। मैं तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर राज को, मैडम चारू को, मैडम अंजना को और मैडम उषा मिश्रा को, क्योंकि उनके जो छात्र छात्राएं हैं उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि वो समाज में जागरूकता फैलाने का काम करें। आज हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही स्वर्णिम दिन है मेरे हिसाब से, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपने शुरुआती दिनों में है और इस प्रकार की एक्टिविटीज़ जो अपनी आत्मसंतुष्टि के साथ समाज की जागरूकता फैलाने का काम भी करती हैं बहुत अच्छे होते हैं। साथ में ही मैं अपने सहयोगी संजीव कुमार का हार्दिक आभारी हूँ कि उनके अंदर ये जो एक ज्वाला सी जगी हुई है कि कुछ करना है यूनिवर्सिटी में रहते हुए, शैक्षिक संस्थान नहीं तो बिल्कुल कुंद और मुंद पड़े रहते हैं, तो उनका मैं सहयोगी हूँ। लेकिन मेरे दिल से, तहे दिल से एक बहुत बड़ा आभार, एक सम्मान उनके लिए कि उन्होंने इस प्रकार की एक्टिविटी को इनिशिएट किया। मैं तो उससे बाद में जुड़ा, लेकिन उन्होंने पहले से ही डॉक्टर राज के साथ बैठ के काफ़ी कुछ प्लान कर लिया था। और अंत में मैं अपने मित्रों को, अपने जो छात्र छात्राएं हैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो ऐसी एक नींव रख रहे हैं जिस पे आने वाली जो पीढ़ियाँ होंगी, जो आने वाले हमारे जनरेशन्स होंगी, वो अपनी बिसात कायम करेंगी, तो उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं सबसे पहले हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी का जो रेड रिबन क्लब है सभी मेंबर को अपनी ओर से शुभकामनाएँ देता हूँ। और यहाँ पे हमारे स्टाफ भी आए हैं, बीएड फैकल्टी से हैं, जैसे डॉक्टर उषा मिश्रा हैं, अंजना डोवाल हैं, चारू शर्मा हैं और रेडियो से सुधीर देवली और संजीव कुमार हैं, जबकि सारी यूनिवर्सिटी के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और मैं तो ये मानूंगा कि सबसे पहले यही हमारा एक मकसद था रेड रिबन क्लब का कि जो युवा हैं वो जागरूक रहें, और हमने कोशिश की और कम से कम जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो खुद भी अवेयर रहेंगे आने वाले टाइम में, और वो दूसरे को मैसेज दे रहे हैं अपने इस नुक्कड़ नाटक जांच जरूरी है के माध्यम से, जिसमें कि बताया गया है कि शादी से पहले एड्स की जानकारी बहुत ज़रूरी है।